भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर विकराल रूप लेती जा रही है। यहां अब तक कोरोना के 2,06,00,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। वहीं 2.25 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले एक दिन में ही 3,700 से ज्यादा जाने गई हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान 5 राज्यों में तो कोरोना से मौतों का नया रिकॉर्ड बना है। इनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। जहां यूपी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 352 लोगों की जान गई, वहीं कर्नाटक में 292, पंजाब में 173, हरियाणा में 153 और बंगाल में इस दौरान 107 मौतें हुई। महाराष्ट्र में भी एक दिन में 891 मौतें दर्ज की गई। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ 210, राजस्थान 154, तमिलनाडु 144, झारखंड 132 और गुजरात 131 भी उन राज्यों में शामिल रहे जहां कोरोना से एक दिन में 100 से ज्यादा मौतें हुई। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान 105 और व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या मंगलवार को 2,926 हो गई, जबकि 14,794 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 5,23,841 हो गई है। बिहार में सरकार ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।